तो आज हम लोग एक सप्लीमेंट असाइनमेंट से एक क्वेश्चन को आगे करने वाले हैं। और ये जो सप्लीमेंट असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिया है, ये रियलिटी में एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों के कंसेप्ट को रिवाइज करा देगा। और इस चीज़ को करने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कुछ भी इवेंट हो, पार्टनरशिप में किसी भी किस्म का चेंज हो, वर्किंग सेम ही रहने वाली है। आपको वही सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, वही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, वही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वही रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, वही कैपिटल अकाउंट बनेगा, सारा प्रोसीजर सेम है। भले ही एडमिशन हो, भले ही रिटायरमेंट हो, भले ही डेथ हो, और आज जो टॉपिक करेंगे उसमें ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ पार्टनरशिप में वैसे ही रेशियो का सिर्फ चेंज होगा। हमारे बिजनेस में किसी भी किस्म का चेंज वो सारी की सारी वर्किंग स्टार्ट कर देता है जो कि अभी तक हमने की है, लाइक गुडविल की वैल्यूएशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जर्नल एंट्री, वो सारा का सारा काम। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसमें बिजनेस में सिर्फ रेशो का चेंज होगा और कोई भी एडमिशन या रिटायरमेंट नहीं होगा। लेकिन चाहे कैसा भी चेंज हो, आपको सारी वर्किंग वैसे के वैसे करनी पड़ेगी। तो समझने के लिए टॉपिक कैसे हम स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसमें करना होता है, सबसे पहले पेज नंबर 1 पर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग एंड गेनिंग रेशो से स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब है, इसके अंदर ना कोई पार्टनर आएगा ना कोई पार्टनर जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट मॉडिफाई किया जा रहा है। मैं कहता हूँ से ए और बी, इवन सी, तीन पार्टनर थे पहले, इनकी रेशियो 3:2:1 तय की गई थी। कई साल बिजनेस चलाने के बाद अब डिसीज़न लिया गया कि यहाँ पर अब इस रेशियो को बदला जाएगा और इनकी रेशियो चेंज कर 1:1:1 कर दी जाएगी। आपस में इन्होंने चेंज कर दिया एग्रीमेंट। तो ये है इनकी ओल्ड रेशो और ये हो गई है इनकी न्यू रेशो। क्या इस रेशो को चेंज होने से किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस या किसी पार्टनर को गेन नहीं होगा? किसी का शेयर पहले से बड़ा हो जाएगा और किसी का शेयर पहले से छोटा हो जाएगा, जो कि सेक्रीफाइस और गेन को रिजल्ट करेगा। हमें सबसे पहले रेशो के चेंज होने से किसे सेक्रीफाइस और किसे गेन हुआ वही निकालना होता है। और ये प्रोसीजर समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके नोट से डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें लिखा है एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि ओल्ड रेशो है पार्टनर की, दो पार्टनर हैं एक्स और वाई और उनकी रेशो है 5:3। यह है एक्स और दूसरा पार्टनर है वाई। आगे लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2016 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब न्यू ईयर पे इन पार्टनर ने फैसला कर लिया कि अब वो रेशो के अंदर चेंज लाएंगे और ये छोटे बड़े की कहानी ख़त्म कर देंगे, अब उनकी रेशो 1:1 मतलब इक्वल कर दी जाएगी। सवाल पूछा गया कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। कह रहा है ये जो चेंज हुआ है उससे पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ या गेन हुआ ये बताइए। पहली बात, जितना किसी को सेक्रीफाइस हुआ है उतना ही किसी को गेन होगा, और दोनों तरीके जो आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में लगाए हैं उन दोनों में से किसी भी तरीके से ये कैलकुलेशन की जा सकती है। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि हम सेक्रीफाइजिंग रेशो का फार्मूला लगाएं। क्या कहते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशो का फार्मूला? सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालने का तरीका होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और अगर हम ये एक्स और वाई के साथ अप्लाई करें तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना था? 5/8 और 3/8 वाई का था। न्यू शेयर इनका कितना हो गया है? 1/2 एंड 1/2। अगर हम इसको एलसीएम में लें तो 8 एलसीएम लिया जा सकता है। यहाँ पे तो 8 पहले से तो कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये 2 को 8 में बदलने के लिए 4 टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 अगर इंक्रीज कर दे तो ये 1/8 आ गया। 1/8 आने का मतलब है सेक्रीफाइस हो गया 1/8। ध्यान रखना जितना सेक्रीफाइस है उतना ही गेन होगा, एक का सेक्रीफाइस दूसरे का गेन बन जाता है। और दो ही पार्टनर है, अगर एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर लिया तो डेफिनेटली उतना ही गेन दूसरा पार्टनर करेगा। और अब मेरी रेशो माइनस में आएगी, मुझे पता है सेक्रीफाइजिंग रेशो माइनस में आने का मतलब है गेन होगा। कैसे? हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, ये 3 रहेगा, लेकिन इसके अंदर जब हम एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -1/8। और माइनस में अगर सेक्रीफाइजिंग रेशो आ जाए तो क्या बोलेंगे? क्या हो गया? गेन हो गया। सबको क्लियर है? तो हमने देख लिया कि सेक्रीफाइस और गेन दोनों बड़ी आसानी से निकल सकता है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो हमने रिटायरमेंट में फॉलो किया था, वो था गेनिंग रेशो निकालने का तरीका। अगर हम उस तरीके को फॉलो करें तो हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। और गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता था? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर।
एक्स और वाई दोनों से पूछेंगे उनका अब नया शेयर क्या है, दोनों ही कहेंगे हमारा शेयर इक्वल है हाफ ऑफ। ओल्ड शेयर कितना था इनका, इनका था 5/8 और इनका था 3/8। 8 ही एलसीएम आएगा। अगर फिर से एलसीएम को कन्वर्ट करें हम, तो ये 2 को 8 में बदलने के लिए 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तो ऊपर 4 माइनस 5 माइनस का 1/8। अगर सेक्रीफाइस माइनस में आए तो गेन होता है, और गेन अगर माइनस में आ जाए तो क्या होता है, सेक्रीफाइस। तो हम इसे डिफाइन कर देंगे कि रियलिटी में गेन नहीं बल्कि क्या है, सेक्रीफाइस। अगर आप देखेंगे वही 1/8 है, यहाँ पे भी सेक्रीफाइस 1/8 है, वहाँ पे भी सेक्रीफाइस 1/8 है। यहाँ पे डायरेक्ट 1/8 आ गया, वहाँ पे माइनस में आया, माइनस का मतलब गेनिंग में माइनस का मतलब सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे जो माइनस आया था, सेक्रीफाइस का माइनस आया था, गेन में वो माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3 1/8, और इसे हम डिफाइन कर देंगे कि ये क्या हुआ, गेन हुआ। चाहे किसी भी तरीके से आप करें, आपको एक सेक्रीफाइस और एक गेन जरूर मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट है। पेज नंबर 1 पर क्वेश्चन नंबर 5 में करा रहा हूँ, जिसमें लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स सिंस 1st of April 2011 एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, उनकी रेशियो 3:2:1 है 2011 से, जो कि एक्चुअल में ओल्ड रेशियो है। अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें ना कोई एडमिशन होगा ना कोई रिटायरमेंट होगा, सिर्फ पार्टनरशिप की रेशियो बदल जाएगी। आगे लिखा है इसके अंदर ऑन 1st of April 2016 दे डिसाइड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:3। फ्यूचर में इनकी जो रेशियो होगी वो 2:2:3 होगी, तो कौन सी रेशियो कहलाएगी, ये हो गई न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो भी आपको पता है और न्यू रेशियो भी आपको पता है, तो आपको सिर्फ सेक्रीफाइस और गेन निकालना होगा। और जब कोई एडमिशन रिटायरमेंट नहीं होता, इवन हो भी जाए, तब भी टोटल सेक्रीफाइस और टोटल गेन हमेशा बराबर होता है। तो आप कोई भी रेशियो लगा सकते हैं, चाहे सेक्रीफाइजिंग का फार्मूला लगा सकते हैं। सेक्रीफाइजिंग अगर प्लस में आया तो वो सेक्रीफाइस है, और सेक्रीफाइस माइनस में आ गया तो वो गेन है। गेनिंग रेशियो का भी फार्मूला लगा सकते हैं, गेनिंग अगर प्लस में आ गई तो वो गेन है, और गेनिंग अगर माइनस में आ गई तो वो सेक्रीफाइस है। ठीक है, आपसे यही पूछा है सेक्रीफाइस और गेन बताइए, तो किसी एक तरीके से सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या कहता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और ए बी और सी के साथ इसे अप्लाई कर देते हैं। ओल्ड शेयर इनका कितना है, 3/6 2/6 1/6। न्यू शेयर कितना हो गया है, 2/7 2/7 3/7। सबको क्लियर है, कॉमन एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉमन एलसीएम जाके किस पे बनेगा, 42। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 42 के लिए, तो कितना हो जाएगा, 21 माइनस 12, और ये हो जाता है 9/42। क्योंकि ये रेशो हमारे फेवर में आई है, मतलब प्लस में आई है, इसलिए जो आप निकाल रहे थे वही है, ये हमारा सेक्रीफाइस है। ध्यान रखना, अगर 9 का सेक्रीफाइस हुआ है तो टोटल 9 का किसी ना किसी को गेन भी होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर से हम 42 एलसीएम लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस 12, ये हो जाता है 2/42, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ही आ गया, इसका ना ये भी क्या है, सेक्रीफाइस। दो सेक्रीफाइस आ गया, तीसरा ये एक पार्टनर बचा है, मुझे पहले से ही पता है अब इसका आंसर क्या होगा। 9 सेक्रीफाइस यहाँ पे, 2 का सेक्रीफाइस यहाँ पे, तो टोटल 11 का सेक्रीफाइस हुआ। अब रेशो माइनस में 11 आने वाली है, मैंने जबकि सॉल्यूशन नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि जो आंसर आएगा वो माइनस का 11 आएगा, क्योंकि टोटल गेन टोटल सेक्रीफाइस बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं, 42 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 18, और 7 और माइनस का अगर 18 करें तो माइनस का 11/42 होगा, और ये माइनस में आने का मतलब क्या आ गया, गेन है। आपको माइनस का निशान दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको लिखना है कि इसने क्या कर दिया, गेन कर दिया। सबको क्लियर है, मुझे पहले ही पता चल गया था कि आंसर में गेन आएगा, और कितना आएगा, 2 सेक्रीफाइस आने के बाद तीसरे के अंदर कोई डाउट बचता ही नहीं। ठीक है, अच्छा, आप चाहते तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, आप गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगा सकते थे। गेनिंग लगाते तो ये माइनस में आता, ये भी माइनस में आता, और ये पॉजिटिव आता, टोटल गेन टोटल सेक्रीफाइस लेकिन बराबर होता। ठीक है, कंप्लीट है। पेज नंबर 1 पर ही क्वेश्चन नंबर 7 अब मैं करा रहा हूँ, जिसमें लिखा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली डिसाइडेड डेट
सी विल गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट एंड रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी तीन पार्टनर है और उनकी इक्वल रेशियो है, तो एक ए है, एक बी है और एक सी है, रेशियो उनकी इक्वल है, ये उनका ओल्ड रेशियो है। लेकिन फ्यूचर में इन्होंने क्या करने का फैसला कर लिया, इसमें लिखा है इन फ्यूचर सी विल गेट 1/6 शेयर। कह रहा है फ्यूचर में हम इस रेशो को कंटिन्यू करेंगे, सी का 1/6 शेयर क्रिएट करेंगे, और ये भी लिखा हुआ है एंड रिमेनिंग प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। और इसको देने के बाद जो बच जाएगा उसे ये लोग कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3:2। पहली बात, इसका मतलब अभी तक ये न्यू रेशो नहीं है, न्यू रेशो का एक प्रोसीजर उन्होंने बता दिया जिससे न्यू रेशो निकाली जाएगी। न्यू रेशो के लिए सबको एक जैसे फॉर्मेट में होना जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि सी का जो शेयर है वो 1/6 रहेगा और उसको देने के बाद जो बचा रह जाएगा वो अदर पार्टनर 3:2 की रेशो में बांट लेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर ध्यान से देखें तो ये सर्टेन टाइप जो एडमिशन का था बिल्कुल वैसा मैच कर रहा है कि एक पार्टनर है उसको 1/6 देना है, बाकी जो बचा रह गया उसे अदर पार्टनर 3:2 की रेशो में बांट लेंगे। भले ही एडमिशन नहीं हुआ लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक चैप्टर में जो कंसेप्ट सीख लेंगे वो भविष्य के किसी भी चैप्टर में यूज़ कर लेंगे। जो फंडामेंटल में कंसेप्ट सीखे थे वो कई कंसेप्ट में एडमिशन में यूज़ करने पड़े, कई कंसेप्ट में रिटायरमेंट में यूज़ करने पड़े, जबकि उनकी शुरुआत फंडामेंटल में हो गई थी। सिखाए फंडामेंटल में गए थे लेकिन यूज़ रिटायरमेंट में हुए। वही कंसेप्ट इवन डिसोल्यूशन तक आगे जाएंगे। पार्टनरशिप का एक चैप्टर हर जगह यूज़ होगा जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एडमिशन का जो कंसेप्ट था न्यू रेशो कैलकुलेशन का यहाँ पे लगा देंगे। मान के चलेंगे जैसे सी नया पार्टनर और न्यू रेशो की कैलकुलेशन की जा सकती है, सर्टेन टाइप है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले लेट करेंगे टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 और सी का शेयर फिक्स है उसको पहले दे देते हैं। सी शेयर विल बी 1/6। सी को देने के बाद जो बच जाएगा कितना बचेगा, बैलेंस 4 ए एंड बी 1-1/6 कर दें कितना बचेगा, 5/6। और अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे ए बी और सी का शेयर बता तो आसानी से बता दोगे, इसको तो 1/6 दे ही चुके हैं, बाकी बचा 5/6। और 5/6 ये दोनों पार्टनर किस रेशो में टेक ओवर करना चाहते हैं, 3:2 की रेशो में, तो 3/5 and 2/5। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कट जाता है और ये बचता है 3/6, 2/6 और 1/6। मतलब फाइनल अगर इनकी न्यू रेशियो करें तो हो जाएगी 3:2, 2:1। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, ये तो न्यू रेशियो निकाली, अब हमें पता लगाना है इस रेशियो के अपनाने से कितना गेन और कितना सेक्रीफाइस इन पार्टनर्स को होगा। ठीक है, क्लियर? पूछा है कैलकुलेट न्यू एंड सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो, गेनिंग शेयर, न्यू रेशियो सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर। तो हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग में से कोई रेशियो लगा लेते हैं। मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगा रहा हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है कौन सी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आप चाहे तो गेनिंग रेशियो भी लगा सकते हैं, एक जगह है ये रेशियो फेल हो जाएगी, माइनस में आएगा जवाब। चाहे गेनिंग लगाएं तब भी माइनस में जवाब आएगा, चाहे सेक्रीफाइस लगाएं तब भी माइनस में जवाब आएगा, एक जगह ये पॉजिटिव भी रहेगा। ए बी और सी, ओल्ड शेयर कितना था भाई इनका, 1/3, तीनों पार्टनर का शेयर 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब शेयर कितना हो गया है, 3/6, फिर 2/6 और फिर 1/6। 6 एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, 2-3, माइनस का 1/6, अरे माइनस में आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आने का मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं बल्कि क्या हो गया, गेन हो गया, हमने इसका शेयर बड़ा कर दिया। ये माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, गेन हमने लिख दिया, काम हमारा पूरा हो गया। गेन हुआ है तो दूसरे को सेक्रीफाइस पक्का होगा। इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2-2, 0/6, नो सेक्रीफाइस नो गेन। अब सिर्फ एक ही पार्टनर बचा है और मुझे पता है उसका जवाब क्या होगा, बिना कैलकुलेशन के मुझे पता है कि उसका सेक्रीफाइस निकलेगा 1/6। क्यों, क्योंकि एक का गेन है तो दूसरे का सेक्रीफाइस होगा। यहाँ पे हो जाएगा 2-1, 1/6 और ये पॉजिटिव जवाब आया है। इसका मतलब ये वही रेशियो जो आप निकाल रहे थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे और ये इसका सेक्रीफाइस। ठीक है, कंप्लीट है।